राइट मैसेज राइट कम्युनिकेशन कंट्री इनसाइड न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज, मैं हूं सौरभ निगम। यूपी एटीएस ने दो ऐसे संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया है जो भारत में तमाम जगहों पर धर्मांतरण का खेल खेल रहे थे। तकरीबन दो साल से ये गिरोह सक्रिय था और ये यूपी के तमाम जिलों को निशाना बना चुका था, साथ ही साथ गुड़गांव हरियाणा के तमाम जगहों पर धर्मांतरण के 1000 से ज्यादा लोगों का धर्मांतरण कर चुका। गैंग के तार जुड़े हैं दिल्ली के बाटला हाउस से। ये वही बाटला हाउस है जो तमाम बार अचानक से सुर्खियों में आ जाता है। यूपी के एडीजी प्रशांत कुमार ने बताया है कि गिरफ्तार लोगों से पूछताछ की जा रही है, साथ ही कुछ चौंकाने वाले मामले भी सामने आ रहे हैं। कानपुर के एक ऐसे लड़के को इन्होंने आदित्य को निशाना बनाया है जो मुखबधिर था और नोएडा की डेफ सोसाइटी में पढ़ाई कर रहा था। यूपी पुलिस ने बताया कि इन लोगों का निशाना होते थे मुखबधिर लोग और अधिकतर महिलाएं इन लोगों के निशाने पर रहती थी, जिनका ये लालच देकर धर्मांतरण कराते थे। युवकों को नौकरी का लालच देते थे जिससे कि वो अपना धर्म परिवर्तन कर सकें, साथ ही पैसों का भी तमाम बार इनको लालच दिया जाता था जिससे कि जो लड़के हैं जो बच्चे हैं वो तमाम बार अपना धर्म परिवर्तन कर लेते थे। यूपी पुलिस की माने तो इस गिरोह में 100 से ज़्यादा लोग सक्रिय थे और लोगों को लालच के साथ साथ उनका ब्रेन वॉश करते थे और अपना धर्म परिवर्तन करने के लिए बाध्य करते थे। नोएडा की डेफ सोसाइटी में भी इन्होंने कई बच्चों को निशाना बनाया था। तकरीबन 18 बच्चों का इन्होंने धर्मांतरण किया था और बाद में उनको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता था कि आपका धर्म बदल चुका है। यूपी पुलिस के मुताबिक धर्म परिवर्तन करने के बाद इन बच्चों के माता पिता को भनक तक नहीं लगती थी और धीरे धीरे उनके हाव भाव में परिवर्तन होने पर इनके माता पिता को शक होता था और तब मालूम पड़ता था कि इनका धर्म बदल चुका है। इस खुलासे के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एजेंसियों को निर्देश दिए हैं कि इन लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, साथ ही इन पर का खुलासा होने के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एजेंसियों को निर्देश दिए हैं कि इन लोगों पर गैंगस्टर एक्ट लगाया जाए, साथ ही इनकी प्रॉपर्टी जब्त करने की कार्रवाई भी जल्द से जल्द की जाए और बचे हुए लोगों के सदस्यों को भी जल्द से जल्द पकड़कर गिरफ्तार किया जाए। यूपी पुलिस ने बताया कि उमर और जहांगीर जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, ये एक सोसाइटी भी नोएडा के बाटला हाउस में चलाते थे जहां पर लोगों का आना जाना बना हुआ था और ये तमाम इंटरनेशनल फंडिंग का भी सहारा ले रहे थे इस गिरोह को चलाने के। साथ ही पाकिस्तान से भी फंडिंग की बात सामने आ रही है कि ISI ने भी इस गिरोह को सपोर्ट किया हुआ था। सीएम योगी ने भी जांच एजेंसियों को सख्त निर्देश दिए हैं और कार्रवाई की बात तो कही है और ये भी पूछा है कि आखिर इतनी बड़ी घटना ये लोग पिछले 2 साल से अंजाम दे रहे थे, एजेंसियों को इसकी भनक क्यों नहीं लग पाई है। उधर इस मामले पर सियासत भी तेज हो गई है, यूपी 2022 में चुनाव भी आने वाले हैं। उधर आप पार्टी के MLA अमतुल्ला खान ने ट्वीट करके ये कहा है कि BJP जो है वो अपने वोटों को साधने के लिए राजनीति कर रही है और संवैधानिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। आप देखते रहिए कंटेंट साइड न्यूज़, अगली अपडेट के लिए फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।